भैया प्लान कैंसिल अपने घरों में नहीं होगी, यहाँ पर डिपेंड है करना क्या है। तो गाइस आज है डे 3 वृंदावन ट्रिप, आज हम सबसे पहले आए हैं गौशाला में सीढ़ी अपनी। सो गाइस जहाँ पर टोटल 70,000 प्लस गायें हैं, 70,000 बोलने को होता है, और हर साल यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आते हैं और मैं दिखाऊंगा आपको गौशाला में भी। और यहाँ हर गांव को बिना रस्से के रखा गया, रस्सा इन देंस कि उनके गले में कोई भी रस्सी वगैरह नहीं बांधी गई। मेरे पीछे चुके हैं हम मोर कुटी में, यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी मोर बनकर डांस करा करते थे मोरों के साथ। इसको देख सकते हो, मोर भी इसको कहते हैं मोर भी, देख सकते हो राधा रानी कृष्ण मोर को मोर पर लेकर उसको डांस करते थे, अच्छे से सीढ़ी बनाई हुई और ये काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ता है इसके लिए। तकरीबन 250-300 सीढ़ियाँ हैं, 300 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के हम ऊपर आए हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है, अंदर भी गर्मी से बुरा हाल जरूर होता है, बट फिर भी आइएगा जरूर, शांति बहुत है यहाँ पर, बहुत रिलैक्स मिलता है रिलैक्स। तो अब हम आ गए हैं जेवर गंज, यहाँ पर श्री राधा रानी जी स्नान कर रहे थे और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे और यात्री गण स्नान कर रहे हैं, देख सकते हो आप। हम सब बैठ कर देख रहे हैं, गर्मी में इतनी है यहाँ पर, गर्मी काफ़ी है यहाँ पर वृंदावन में भी, इस समय बरसाने में कई बोले गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और ये हमारा कोका काका बैठा हुआ है, ओके हाय कर दे। गेवरगंज यहाँ श्री राधा रानी जी स्नान करते होते थे और अब यहाँ पर लोगों ने अपना स्नान घर बना लिया, जो कि गलत बात है। तो अब हम आ चुके हैं गेवरगंज, यहाँ पर राधा रानी जी की गोद बनाई हुई थी जो यहाँ के पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल जाननी हो तो यूट्यूब गूगल कर सकते हो। गर्मी से बुरा हाल है, सीना आप देख सकते हो काफ़ी बुरा हाल है, और पीछे ये बन है सिर्फ, और यहाँ पर राधा रानी जी आया करते थे अक्सर, कहा जाता है कि राधा रानी जी अक्सर यहाँ पर आया करते थे अपने दोस्त सहेलियों सखियों के साथ। और हम घूम रहे हैं, अब मिलते रहेंगे। आ गए हैं आशेश्वर काल मंदिर, इसमें शिव जी ने तप करा था और जहाँ विश्राम क्या करा था, विश्राम करा विश्राम किया था यहाँ पे उन्होंने अपना, जब जब ठाकुर जी को देखने के लिए मना कर दिया था माता जी ने, तो वो अपना शिव जी यहाँ पे बैठ गए थे आस लगा के कि जब मेरे को मौका मिलेगा मैं जाऊँगा। उसके बाद वो अपना गोपी रूप में दर्शन करने के लिए गए थे। ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा स्टोरी को। भैया प्लान कैंसिल अपने घरों में नहीं होगी। तो गाइस हम आ चुके हैं नंदगांव कृष्ण जी के घर में, जहाँ उनका बचपन बीता है, और यहाँ की लठमार होली बहुत फेमस है बरसाने की। और तो अभी भी होलियों में अगर मन करे लठमार होली खेलने का तो नंदगांव बरसाना में जरूर है। यहाँ के अच्छे लोकल लोग खेलते हैं, वहाँ की गोस्वामी और वहाँ पे रश मत डालें। पीछे कृष्ण जी का मंदिर मेरे देख सकते हो, जहाँ से पता नहीं फोन अलाउड फोन अंदर हो। सो गाइस अब है नंद गांव के हम ऊपर टेरिस पर, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है मेरे पीछे इसके मेरे सामने, और पीछे यहाँ पर घंटा है जिसको बजाते हैं, सब लगे हुए हैं फोटोज़ वगैरह कराने हैं। मेरे पीछे का व्यू, सामने का सॉरी, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से सारा नंदगांव नज़र आता है, चारों दिशा है, चारों तरफ क्या शानदार व्यू आ रहा है, और देख सकते हो काफ़ी ही दूर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और ऊपर शिकारी
हनुमान सेना घूम रही है इधर, और एक हनुमान सेना का ये भी है हमारे साथ सेनापति। बहुत ही शानदार जगह है ये। तो गाइस वी आर रीच एट कीर्ति मंदिर रंगीली महल, काफ़ी अच्छा बना हुआ है बाहर से। तो गाइस जहाँ पर होता है लाइट शो कीर्ति मंदिर में, देख सकते हो क्या भव्य नज़ारा लग रहा है। ऊपर से बादल, क्या प्यारे मौसम है, क्या प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा। यमुना रानी लागे, राधा रानी लागे मागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। और ये लोग देखो मुझे तंग कर रहे हैं मेरे ब्लॉग के बीच की बार बार हमारी फोटो खींचो, और मैं इनकी फोटो नहीं खींच रहा क्योंकि इन्होंने सेंटर होने में घंटा दो घंटे लगा देना है, और फिर मैंने इन्होंने मेरे को तंग करा हुआ है। फिर भी मैंने की एक फोटो बीच चलती वीडियो में खींच रहा। और जहाँ अंकल जी ने दान पेटी गिरा दी है, देख सकते हो अंकल जी को। और ये देख सकती हो कबूतरों का शो भी है लाइट शो के साथ साथ। आज देख सकते हो काफी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जिस कृष्ण जी की लीला में है कि कैसे वो कृष्ण जी राधा रानी के साथ खड़े हैं और बाकी गोपियाँ डांस कर रही हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हो कृष्ण जी राधा रानी बैठे हैं, बाकी सारी सखियाँ नीचे हैं। तरफ से काफ़ी खूबसूरत है कीर्ति मंदिर, पीछे देख सकते हो लाइट शो कर रहा है। यहाँ पर सखियों के साथ कृष्ण जी की मूर्ति बनाई हुई है, सुंदर लग रही है। मेरा फेस पर मजाना थम चुका हूँ बुरी तरह से, घूम घूम कर गर्मी बहुत। अब मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, बारिश लग रही है हल्की हल्की। गाइस नाउ द टाइम है कि हम इस प्यारे से मंदिर को बाय बाय करें और हम चले राधा रानी के द्वार में। वहाँ भी टाइम लगेगा, उसके बाद कल सुबह हमारी ट्रेन भी है 5:30 बजे की, मथुरा सेना में 5:30 बजे 7 बजे की ट्रेन है वहाँ से। तो देखते हैं, टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30। अभी हमें शॉपिंग वगैरह भी थोड़ी सी करनी है, डिनर भी करना है, पैकिंग वगैरह भी करनी है, सोना भी है, टाइम से भी उठना है सुबह। फिर भी देखते हैं इनके ऊपर डिपेंड है करना क्या है। जो भी होगा देखेंगे, आपको भी बताएंगे जरूर क्या करेंगे। और ये सब कमले हुए पड़े हैं यहाँ पर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं राधा रानी मंदिर में, 140 पौड़ियाँ हैं, हालत टाइट है। अभी मेरे ख्याल 40 मिनट चढ़े, 40 पौड़ियाँ हैं, हालत टाइट है। अभी मेरे ख्याल 40 मिनट चढ़े, फिर भी जाएंगे जी 9 बजे मंदिर। तो गाइस हमने राधा रानी के टेंपल में मत्था टेक लिया, बड़े शानदार दर्शन हुए हैं। और अब हम यहाँ पर व्यू देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। जैसे मैंने आपको दिखाया था कीर्ति मंदिर का व्यू और नंदगांव का मंदिर सही व्यू है, और इस टाइम अंधेरा है तो ज़्यादा कुछ नज़र तो नहीं आएगा, फिर भी जितना बनता है दिखाएंगे जरूर। राधे राधे कर दिखा के, जय श्री राधे। बहुत ही अच्छा रश है, अल्टीमेट है। काफी धक्के खाने के बाद अलाउड नहीं है दर्शनों के लिए, फोटो भी खिंचवाना है, इसलिए हमें कोई फोटो नहीं खींची, ना ही खींचेंगे आगे भी। वापस चलते हैं और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं।
बरसात में पूरा बरसाना पर बहुत दूर है रात की रोशनी में जहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं है। दादा रानी बैठती है किशन के अपने गाँव वाले गाँव में बैठते थे किसी मन की बातें किया करते थे। यह नज़ारा ये रात है दिन नहीं है फिर भी ऐसा नज़ारा है कि जैसे दिन हो। हमने दिल्ली से कर ली थी टैक्सी एंड उसके बाद हम दिल्ली स्टेशन से दिल्ली कस्टम तक ओला में आए थे। जो रस्ते में हमने देखा था दिल्ली के सुंदर सुंदर नज़ारे मेरे सब काफ़ी कुछ देखा हिस्टोरिकल पे देखते लाल किला नज़र आया था हमें ओला में से अरुण जो क्षेत्र का स्टेडियम देखा जामा मस्जिद नज़र आया था काफ़ी कुछ नज़र आया था करने के लिए रुके टाइम हो चुके हैं पौने छः। तो पीछे था शिवा ढाबा है सोनीपत के आगे मीरपुर के आगे तो वहाँ पर रुके हुए हैं। अच्छा खाना पीना बहुत अच्छा था और काफ़ी कुछ है देखने के पॉइंट है और बच्चों के लिए दूर राइड्स भी है याद रखना बच्चे वाले आए राइड्स दूर फ्री लेके निकल जाए राइड्स हमने ऐसा नहीं किया। खाना खा के निकलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हम सब थक गए थे तो लोग घर आते आते हमें रात के 1 बजे थे इसलिए हम लोगों का एंड करना भूल गया था। सो गाइस लाइक कमेंट और शेयर करें बिना कहीं मत जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई लोग में बीच कुछ गलत बोल दिया हो कुछ गलत जानकारी दी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें सैम की दुनिया। थैंक यू सो मच।